नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग आप सबके बीच एक नई न्यूज़ और लेकर आए हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। जैसा कि आप जान सकते हैं कि अभी 18 और 19 जून को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा कराई गई थी, उसके संबंध में कई सारी आपत्तियां भी दर्ज कराई जा चुकी हैं। ठीक है, पहला तो उसमें था कि कुछ लड़कों ने आपत्ति जताया था कि उसका जो पेपर था 19 तारीख का, वो दोनों शिफ्ट में एक ही पेपर दे दिया गया था। और साथ ही साथ अभी हाई कोर्ट में भी इसका मुद्दा उछलने वाला है काफ़ी ज़ोर शोर से। और इसके बाद जब इन्होंने आंसर की जारी किया, तो आंसर की में इन्होंने इतनी ज़्यादा त्रुटियाँ पैदा कर दी थी कि इन्हें उन्हें वापस लेना पड़ा वो आंसर की। और दूसरी आंसर की निकालने के लिए आज उन्होंने अभी एक विज्ञप्ति जारी किया है। क्या विज्ञप्ति है, मैं आप लोगों के बीच उसको शेयर करना चाहता हूँ। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस विज्ञप्ति में उन्होंने क्या दिया है। तो इस विज्ञप्ति में संबंधित और आपत्तियों से संबंधित ये सूचना दिया है। ठीक है, जो आपत्ति और उत्तर कुंजी संबंधित उन्होंने सूचना दिया है उसे मैं दिखा देना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता हो कि यह अभी यह आंसर की संबंध में यह सूचना जारी किया गया है। तो हम सब आइए देखते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो इसका डेट है, इसका डेट तो इन्होंने मिटा दिया है, लेकिन जून 2018 ये आपको दिख रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपको जो जून 2018 आपको दिख रहा है, लेकिन इसका जो बीच में डेट है उसे इन्होंने मिटा दिया है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्या है कि इन्होंने बोला है, जो आपका मेन है इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो 18 और 19 तारीख को परीक्षा आयोजित कराई गई थी, उसके जो आप उसका जो प्रश्न और आंसर की है वो बोर्ड की वेबसाइट इतना इतना पे आपको UPPB PB.gov.in पर दिनांक 28 और 30 तारीख के बीच में आप फिर से देख सकते हैं। ठीक है, ये 28 और 30 के बीच में फिर जारी करेंगे। जैसा कि आज 28 और अब 29 भी आज हो, समझ लीजिए हो 28 भी हो गया 29 भी, क्योंकि आज 28 रात को जारी किया है इन्होंने। अब 29 भी आज निकल गया, आप समझ लीजिए 30 तारीख को शाम तक ये जारी करेंगे। अगर 30 तारीख तक नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि एक दो दिन इनका टाइम और लग सकता है, लेकिन संभावनाएं हैं कि 30 तक जारी कर देंगे और इनका कुछ कहा नहीं जा सकता, एक दो दिन और लेट हो सकता है। ठीक है, ये तो महत्वपूर्ण चीज़ था। अब दो नंबर पर इन्होंने क्या दिया है, दो नंबर पर इन्होंने लिख रखा है कि अभ्यर्थी को किसी प्रश्न या उत्तर किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प का या उत्तर कुंजी के संबंध में कोई विसंगति प्रतीत होती है, अगर आपको किसी प्रश्न या उत्तर में कोई विसंगति या गड़बड़ी कह सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये उत्तर या प्रश्न गलत दिया है या त्रुटिपूर्ण है, तो आप इसमें दिया है कि वे अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, तो आपको केवल ऑनलाइन दर्ज कराना होगा, ऑफलाइन इसमें सुविधा नहीं दे रहे इनका। और इसमें लिखा अभ्यर्थी को आपत्ति दर्ज कराने हेतु रजिस्ट्रेशन नंबर, ये देख सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की सहायता से आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में इसका लॉगिन की जो साइट थी मैंने उसको दे रखा है, अगर आप लेना चाहते हैं आप उसमें जाके ले सकते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में। और आप अगला जो इसमें तीन नंबर में इन्होंने लिखा हुआ है, तीन नंबर में इन्होंने लिखा है अभ्यर्थी अपनी आपत्ति उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन ही, ये इन्होंने वो किया है कि वो जो आपत्ति है आपको ऑनलाइन ही दर्ज करा सकते हैं, ऑनलाइन दर्ज करा के। देखिए इसमें दिया गया है इसमें भिन्न माध्यम से आप सकते हैं किसी के अथवा मेल के द्वारा ये प्रार्थना पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये नहीं किया जा नहीं होगा, तो आप आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराइएगा। ठीक है, 30 तारीख को फिर से ये लोग आंसर भी देते हैं, तो आधे आगे देते हैं, तो मैं फिर से आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा क्या करना है अगर कोई विज्ञप्ति आती है तो। और 4 नंबर में भी ऐसे ही सेम दिया, कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें लिखा है इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार तक नहीं होगा और न ही त्रुटि पाए जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमोदन होगा। ठीक है, ये अनुमोदन होगा। अब इसके बाद इन्होंने सिग्नेचर किया है, तो जैसा कि मैंने आपको ये निर्देश सूचना दिखा दिया है, अगर आपको इसमें और कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके बता। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, पसंद वीडियो को लाइक करें।